पेज नंबर 291 निकलेगा जरा ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वादा था। कल वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लिए थे यार, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू कर दो, पेज नंबर 291। इसके द्वारा नेक्स्ट पेज पर रिक्वायरमेंट होना जरूर। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बनाने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उधर क्रेशी स्टील वाला क्वेश्चन एक नजर ढूंढने जरा। क्रेशी स्टील वाला क्वेश्चन जरा ढूंढ के पेज नंबर बताइएगा, उसकी जरा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट अलहदा थी और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली उधर रिक्वायरमेंट है, जरा दोबारा देखें क्या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है उसने पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना। और सर जी आना है सर, तो इसमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही रिक्वायर्ड है। नोट एक ब्रैकेट पढ़ने जरा नीचे रिक्वायरमेंट, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज वगैरह कोई नहीं बनाना है आपने, लेकिन बोरिंग कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है वो नंबर ऑफ मंथ्स की बेस पे करनी है। क्या नंबर ऑफ डेज में भी हो रही है, लेकिन वो तभी करनी है अगर बताया तो। आज फर्स्ट टाइम पे पेज नंबर सर 291 है यार, पेज नंबर बता दीजिएगा जरा, रिपीट कर दें जरा, पहली दोबारा बताइएगा। ऑक्टागन पाकिस्तान लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018। During the year, OPL completed the construction of its head office building. Relevant details in this respect are as follows. I'll take it as a final review, Shadia. Payments relating to the construction of the building were as follows. Construction permit fee का मतलब होता है construction का इजाजत नामा। समटाइम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट को परमिशन लेने के पैसे देने पड़ते हैं। तो 1st January 2018 पे 30 मिलियन की पेमेंट एक कंस्ट्रक्शन के परमिट फी के तौर पे हुई है। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, सेकंड, थर्ड, लास्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रिसीव हुआ था 2500, पे हुआ है 1st January। बाकियों की सिंपली पेमेंट डेट दी हुई है, लास्ट की बिल रिसीट डेट भी दी हुई है, एक टोटल हुआ। प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड विद द फॉलोइंग सोर्सेस, एक्सेस कैश ऑफ 200 मिलियन अवेलेबल विद ओपीएल ऑन 1st January 2018 इन अ सेविंग अकाउंट एट द रेट ऑफ, कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा था कंपनी के पास 200 मिलियन, क्या प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ, ये कहां लिखा हुआ। द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड विद द फॉलोइंग सोर्सेस, लेकिन कहां रखवाया हुआ था, बैंकों में सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अपने कुछ पैसे थे सेविंग अकाउंट में रखवाए हुए थे 10% पे और 1st January की ये बात है। लोन ऑफ ₹350 मिलियन
at the rate of 16% was obtained on 1st February 2018. The principal is repayable in 5 equal annual installments. Okay, sir? 5 equal annual installments along with interest from 1st February 19. The surplus funds available from the loan were invested in a जो इसके सरप्लस फंड्स हैं वो भी इन्वेस्ट हुए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. फिर विड्रॉल्स फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज अरेंज्ड ऑन 1st January 18. ये किस लाइन के साथ चीजें चलती जा रही हैं? द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस्ड फॉलोइंग सोर्सेस, एक कॉलम बना हुआ ना उसमें. द फैसिलिटीज वर आल्सो यूज्ड टू फाइनेंस अदर नीड्स ऑफ ओपीएल. Specific loan is general. I mean, not only the facilities were also used to finance other needs. Or zaruraton mein bhi istemal hota rehta hai. Detail of these facilities are as follows. Name of bank. Bank X and Y. Balance as on 31st December 18. Kya cheez hai ye? Year end zero mein rakhna hai. 31st December 18 zero number. क्लोजिंग बैलेंसेस हैं. किन लोन्स की ये बात हो रही है? रनिंग फाइनेंसेस की बात हो रही है जो अदर नीड्स में भी इस्तेमाल हो रहे हैं. लिमिट मींस क्या होता है? पेज नंबर 58 पे जाएं जरा. पेज नंबर 58. तीन सिनेरियोस बने हुए थे उस पर. Scenario A, B and C. Yes, scenario A के नीचे note 1. Sanction limit एक word लिखा हुआ था. उसी के लिए word limit भी है. तो sanction limit क्या चीज होती है? जो maximum amount of loan हो जो bank से agree हुई है. ऐसे ही सर? तो scenario A में देखें जरा. Maximum amount of loan agreed कितनी थी? 120. तो क्या 120 million पे हमेशा interest आता है? इंटरेस्ट किस पे आता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे. बैलेंस शीट में कौन से फिगर आती है? जो क्लोजिंग बैलेंस हो. तो लिमिट सिंपली मींस होता है जो टोटल अमाउंट एग्री हुई थी उसमें से जितनी इस्तेमाल होगी वो लायबिलिटी है और इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसमें होगा उस पे है. आ जाओ वापस दोबारा देखें. सेकेंड कॉलम में क्या गिवन है? बैलेंस एज ऑन, ये क्लोजिंग गिवन है. लिमिट कितनी थी? लाइबिलिटी इस वक्त है कितनी? लिमिट लाइबिलिटी है या जो बैलेंस है वो लाइबिलिटी है? जो रह गया वो लाइबिलिटी है या जो टोटल था वो लाइबिलिटी है? एवरेज बैलेंस पे क्या कैलकुलेट होता है? एवरेज बैलेंस पे क्या कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. क्या एवरेज बैलेंस, लिमिट और क्लोजिंग बैलेंस एक ही चीज है? क्या एवरेज बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम भी हो सकता है? लेकिन क्या डिफरेंट भी हो सकता है? सही आ जाएगा याद है. एवरेज बैलेंस इस्तेमाल होगा इंटरेस्ट की वर्किंग में. एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस 6 महीने एवरेज, साल मीन साल पूरा एवरेज, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में. और लिमिट तो सिंपली उस अमाउंट को कहते हैं जो एग्रीड थी बैंक से. और अगर लिमिट से आप नीचे हैं तो जितने पैसे आपने देने हैं वो आपकी लायबिलिटी. लास्ट कॉलम में क्या दिया हुआ? फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है. फाइनेंस कॉस्ट किसे कहते हैं? तो इंटरेस्ट दिया हुआ रिस्पेक्टिव बैंक एक्स और बैंक वाई का. बाकी फिर अभी वर्किंग करवाता हूँ तो होपफुली आप मुझे बता देंगे कि इसको कैसे यूज करो. टेबल से नीचे आने से पेमेंट ऑफ थर्ड बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड्स 10 मिलियन which was charged by contractor for damages sustained at the site on account of unexpected rains. Kya hai? Sari cheeze aapko pata hai. Third bill ki amount hona hai. 170 mein se 10. 10 aapka loss hai ya asset mein capitalize hona hai? इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं. क्या मिल सकता है?
The work was stopped from 16 to 31st May to meet mandatory technical requirements. Mandatory means necessary technical requirements, zaruri technical requirements. Further, on 16 September 18, Building Control Authority stopped the construction work as it raised objections on the design of the building. The matter was resolved on 30th September. 16 मई से लेके 31 मई के जो 15 दिन है और 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर के जो 15 दिन है, क्या इनमें काम रुका रहा है? नेक्स्ट लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 31 अक्टूबर सॉरी हाउएवर इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1st दिसंबर इनॉग्रेटेड ऑन इफ्तिताह किया गया। कंप्लीट कब होगी बिल्डिंग? इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है? बिल्डिंग एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 30 इयर्स। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज इनॉग्रेटेड। रिक्वायरमेंट एक बहुत बड़ा देखो, एक्सट्रैक्ट बनाने से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बताएं क्या करेंगे, करना क्या है, डाटा क्या है? ये तो कोई लिंक ही नहीं बनता सर। बनता है सर लिंक सर, पहला पूरा पेज छोड़ दें एक्सट्रैक्ट के लिए। सीरियस क्वेश्चन है सर, लेकिन शायद ही कोई चीज ऐसी है जो कह सके हम के नए तरीके नहीं है, बाकी मैक्सिमम चीजें रिपीट हो रही है। बस पेज छोड़ दें एक्सट्रैक्ट्स के लिए, एक्सट्रैक्ट्स के लिए एक पेज काफी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट जब आपने पहले बनाया है, इसमें जरा देखें कितनी स्पेस लगी है। नहीं भले उसमें देख लेना, अगर उसमें जितनी स्पेस लगी उससे डबल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। ओ बेटा मैंने मजाकन कहा है, मैंने कब कहा कि इनॉग्रेटेड पे डेप्रिसिएशन शुरू होनी हो? मैंने सिर्फ इसलिए कहा है ताकि आपके जहन में आ जाए कि इनॉग्रेटेड कोई चीज नहीं होती है, व्हेन अवेलेबल फॉर यूज। अगर इनॉग्रेटेड पे डेप्रिसिएशन शुरू हो जाए तो मेजोरिटी चीजें तो ऐसी जिनका इनॉग्रेशन होती नहीं है। किसी ने कोई गाड़ी ले ली, कोई इनॉग्रेशन ही नहीं की उसने, उसकी डेप्रिसिएशन शुरू नहीं होनी। ये तो मैंने वैसे ही बीच में बात की है, एसेट डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज प्लीज अवेलेबल फॉर यूज। आई होप कि हमारे में इतना कम्युनिकेशन गैप नहीं है, टू मच तो है लेकिन इतना भी टू मच नहीं चाहिए। फाइनली पेज आपने छोड़ दिया जितनी आपको जरूरत थी, अब अकॉर्डिंगली अगर इसके बाद हम देखें तो क्या कोई बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के बीच में स्टोरी है? है सर, क्या स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं? कोई देखने क्या क्या फंडिंग कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, दरमियान में देखें क्या कुछ ऑन फंड्स भी हैं, एक लोन भी है प्रोजेक्ट के लिए, और विड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस जो है जो अदर पर्पजेस के यूज हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले मेरा एक टेबल बना लेते हैं वर्किंग्स में। तब ये जो बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग है ना, ये भी वर्किंग्स का हिस्सा ही होगा, ये भी वर्किंग्स का हिस्सा है। तो आपने स्पेस छोड़ दी है काइंडली जितनी आपको जरूरत पड़ी है, तो वर्किंग में सबसे पहले डिटेल ऑफ पेमेंट्स बनवा लें, बस कर दें काइंडली, सीरियस हो जा करें यार। पिछले कई दिनों में आपने क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व भी किया है और घर जाके आपने कल रिवाइज भी कर लिया है और सोचा भी नहीं है कि क्या जवाब दे रहे हैं हम। मैंने आपको कहा ही नहीं, आपने अचानक क्यों महसूस किया? क्या मेरी आवाज हर जगह नहीं जा रही? अब मैं देख तो एट अ टाइम एक जगह दिखता हूँ, क्या हो गया? पर्सनल है क्या मेरी बात? ये कैसे हो सकता है? कभी पहले ऐसे हुआ कि मैंने कोई काम कहा और अब ना किया? अल्लाह का शुक्र कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही आइंदा कोई ऐसा इरादा है कि जब काम एक कहा गया है और आपने यस सर कह के उठे थे, तो ये कैसे हो सकता है आपने कंप्लीट ना किया? तो ये तो सर एक बेसिक अजम्पशन है। कॉलम्स बना दें सर और बिल्कुल सीरियस हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कांडी जरा खुद से जरा मेरी हेल्प करें, जरा तो डेट्स लिख लेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, रिटेंशन मनी टाइप स्टोरी, तो अमाउंट के बाद मेरा ख्याल है नेट की जरूरत नहीं है,
फंड्स फ्रॉम वाले कॉलम बना लें, कितने बन जाएंगे फंड्स फ्रॉम ऑन स्पेसिफिक एंड जनरल। On specific and general, सारी सॉरी सदी आपके सामने है। Focus on this detail of payments. First date बताएं। अब सीरियस नहीं सर, एक एक चीज खुद ढूंढना यार, इसमें तो कोई फायदा नहीं। सवाल अलहमदुल्ला आपके सामने है, पूरी स्टोरी आपको पता है, कंसंट्रेट करें। मेरा तो सिर्फ काम ये होना चाहिए कि हेल्प कर दूंगा जहां जहां कोई मसला। 1 जनवरी 18 क्या हुआ इस दिन? परमिट फीस रुपीज इन मिलियंस है, मिलियंस है। रुपीज इन मिलियंस अमाउंट इज 30 मिलियन। डिसाइड कौन है भी सिन? वो तो ज्यादा है, क्या बच गए कुछ? जी जी 170 बचे हुए। नेक्स्ट डेट सेम। अब डेफिनेटली दोनों अमाउंट सेम डेट पे हैं, लेकिन मेरा ख्याल अलग स्पेसिफाई कर लगा। एडवांस कितना दिए? 80। सबसे पहले ओन ही यूज होगा। 80 डन है सर। नेक्स्ट डेट सर 1 फरवरी। फर्स्ट बिल कितना? बिल की अमाउंट 50 है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओन अभी खत्म नहीं हुए, 200 मिलियन थे, 110 मिलियन इस्तेमाल हो चुके हैं। 90 ओन में से क्या स्पेसिफिक अवेलेबल हो चुके हैं? 1 फरवरी ढूंढे, इस डेट में अवेलेबल हो गए हैं। 1 फरवरी में अवेलेबल है सर, ढूंढे ढूंढे डेट सुने। 1 जनवरी 1 फरवरी। तो अगर फंड्स ओन्ड भी हो, स्पेसिफिक हो, तो पहले ओन्ड है फिर स्पेसिफिक है, और फिर अगर वो नहीं है तो जनरल। तो 90 और 160 ब्रेकअप समझ आ जाएगा कैसे किया मैंने। 250 में से 90 पहले, रेमेनिंग स्पेसिफिक में से। स्पेसिफिक के हैं पैसे कितने? सारे खत्म हो गए, साथ साथ रखें, कैलकुलेट करते रहें। जर्नल से कितनी जरूरत पड़ी इस दिन? जर्नल से इस दिन क्या जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। अच्छा यहां से आगे टर्न टेबल आप खुद कंप्लीट करोगे। यहां तक कर बता दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? ठीक है फोर्थ लाइन 360 मिलियन की पेमेंट हुई है। स्पेसिफिक के फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग पड़े 190 और बाकी फिर एक्स्ट्रा पैसे जर्नल से। नेक्स्ट डेट
फर्स्ट सितंबर, थर्ड बिल 170 में भी एक प्रॉब्लम है नीचे जाने का, ठीक है वो लिख लेते हैं, नहीं वो भी जरूरी नहीं है, कर लेते हैं लगा नीचे जरा जाए, इसमें थर्ड बिल में एक मसला था। एक सेकंड बोर्ड पे देखा जरा, 170 ठीक है, लेकिन क्या ये 170 वैसे है जनरल से, 170 जनरल से ही है सर, सिर्फ एहतियात ये रखनी पड़नी है। जरा एक सेकंड वो क्रशी सील वाला आंसर निकाल लेना, प्रश्न नंबर 10 का आंसर ढूंढना रजिस्टर में, उसमें एक वो 10 जो था रेन डैमेजेस, वहां पे 10 ही था शायद, 1 मिलियन था, 1 था 1 था 1 था 1 था 1, उस पे के नीचे एक नोट 1 लिखा हुआ था, लेकिन वो बिलों में अमाउंट नहीं थी, अलग थी इसलिए लिखी हमने अलग हुई है, लेकिन उसके साथ एक नोट पढ़ने का क्या लिखा हुआ था। पहले जरा बोर्ड पे देखें, यहाँ बिल 170 है, उसमें फिर 10 शामिल है, तो ठीक है वो जर्नल में लिख दी है, लेकिन शायद बस ये ब्रेकअप कर लीजिएगा कि 160 बस आप कंसिडर करेंगे उस वक्त जब आप एक्सपेंडिचर्स उठाएंगे जर्नल से, बाकी जो 10 मैंने अलग कर दी है इस अमाउंट ने, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में जाना तो इसका इंटरेस्ट भी रेलिवेंट प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा, तो यकीनन इस तरह भी हो सकता है कि हम सिर्फ 160 लिख रहे हैं टेबल में, लेकिन मेरा ख्याल पूरा मेंशन करके ब्रेकअप करना, ताकि जरा याद रहे कि आपने 10 क्यों नहीं लिया, ये याद आ गई प्लीज बात। तो 10 ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, इसलिए उससे रिलेटेड इंटरेस्ट है वो भी कैपिटलाइज प्लीज नहीं करेंगे, डन है। इंशाल्लाह वही करेंगे जो करेंगे जी, इस तरह भी कर सकते हैं कि 160 लिख लें, जैसे आप कंफर्टेबल वैसे मैं लिख देता हूँ, 160 डैमेजेस, लेकिन वो असल में थर्ड बिल में शामिल है मैं इसलिए, या 170 माइनस 10 कर लो और 10 और 10 को फिर एक्सप्लेन कर लो, तो जैसे आप लिखना चाहें, रिटर्न इग्नोर भी किया जा सकता है क्योंकि कैपिटलाइजेशन की वर्किंग में रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सिंपली इग्नोर ना करें, लिख लें ताकि रिवाइज करें तो दोबारा जहन में जरूर आ जाए कि इसका किया क्या था, तो अगर अलहदा लिखना है अलहदा लिखें। महाराज जो बात असल में हो रही है मीन्स जो ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ वो तो है ना जहन में, जब आप यहाँ से उठाएंगे तो एक्सपेंडिचर्स उठाएंगे जनरल बोरिंग के लिए तो 170 उठाएंगे और 160 उठाएंगे, 170 और 160 उठाएंगे, 10 अगर आपने इंक्लूड किया भी है तो उसे एक्सक्लूड करेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर हो गया, तो जो जिससे कंफर्टेबल है वैसे लिख लें, लेकिन प्लीज मेंशन करना जरा। जी सर आगे लास्ट बिल देखें जरा, हाँ हम पेमेंट्स की डिटेल बना रहे हैं तो पेमेंट हमारे पीरियड में नहीं आ रही, लेकिन वैसे ब्रैकेट पड़े बिल हमारे पीरियड में आ रहा है, ये सारी बातें प्लीज आनी है, काफी कंप्रिहेंसिव बहस हो जानी है। हाँ जी ठीक है, सेकेंडली नीचे थोड़ा सा जाए, कोई लोन रीपेमेंट तो नहीं है? हाँ जी लोन रीपेमेंट भी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रही है, तो ना इस साल में कोई और पेमेंट हो रही है एक्सपेंडिचर की और ना ही कोई लोन रीपेमेंट की स्टोरी है। नेक्स्ट हेल्प करें, क्या करना चाहिए इसके बाद? नहीं मतलब इसके बाद अब टेबल तो बन गया, क्या करें? चले लिखे ये जरा फुरकान, एक मिनट ऊपर आना जरा, एक बंदा था क्लास से बाहर निकाल, फुरकान जरा एक मिनट आई, ओके एक मिनट ऊपर आइए, अपना बैग बंद ही रखिए, बाद में ऐसे बंद करना पड़ना, सॉरी मेरा ख्याल रहने दे, एक इस तरह का वाक्या पेश आएगा तो शायद कोई अकल आ रहा। हेडिंग लिखे सर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये एक ब्लैक शर्ट में भाई बैठे हैं, इनका जरा बैग पकड़िए आराम से प्यार से हाथ मिलाएं, इनका बैग मेरी तरफ से नीचे छोड़ा, पानी शानी रस्से में पिला दीजिएगा। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज हेडिंग लिखें,
जी सर, हमारे इस कस्टमर में कितनी बोरिंग्स हैं? बोरिंग्स की टाइप्स स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक हेडिंग लिखे। नेक्स्ट हेडिंग बोलो, इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बना सकता हूँ, इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। क्या तरीका होता है सर लोन की अमाउंट ढूंढने? 350 लोन कब लिया? फर्स्ट फरवरी ड्यूरिंग द ईयर। कितना रीपे किया? कुछ रीपे नहीं किया। रेट बताएं, लिया कब, ईयर एंड कब आ रहा है, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है 11 मंथ्स का, बनता है 11 मंथ्स, फर्स्ट जनवरी से लेके 31 दिसंबर, बनता पूरे साल के 11 महीनों पे। ये एक महीना फिर अगला भी है वो, लेकिन नेक्स्ट ईयर, इस साल बनता 11 मंथ्स का है। लेकिन अब आए जरा उसकी फर्दर डेप्थ में जाए, क्या इन 11 मंथ्स में कोई सीज डेट तो नहीं आ रही? एसेट कंप्लीट हो गया 31 अक्टूबर पे, ढूंढे कहीं जरा लास्ट लाइन, तो आखिरी 2 महीने क्यों नहीं लेने? सीज डेट आ गई, तो यहां तक कहां से कहां तक हो गया? फर्स्ट फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक काउंट करने कितने मंथ्स बने? 9 फाइनल करें सर जी, 31 अक्टूबर कह रहा हूँ, दिसंबर तक 11 बने, फिर 2 छोड़ के 9 मंथ्स हो गए। अब इन 9 मंथ्स की ड्यूरेशन फर्स्ट फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक का प्रॉब्लम तो नहीं है? सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़े, दो प्रॉब्लम है, 16 मई के 15 दिन भी हैं और सितंबर के 15 भी हैं। क्या आ रहे हैं वैसे फरवरी टू अक्टूबर रास्ते में आ रहे हैं सर? कितने मंथ्स आ रहे हैं? 9 मंथ्स आ रहे हैं, लेकिन उन मई जो 15 दिनों का प्रॉब्लम आ रहा है, ये रिजॉल्व करें अपना। मई के 15 दिनों का इश्यू तो नहीं है सर, ये तो मैंडेटरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जरूरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का मसला था। लेकिन जो अगले 15 दिन आ रहे हैं, तो मई के 15 दिनों का इशू है या सितंबर के? तो बनते हैं 11, 2 महीने आखिर वाले सीज डेट के बाद वाले नहीं लेने, और 15 दिन सितंबर के सस्पेंशन की वजह से नहीं लेने। लेकिन जो 15 दिन की सस्पेंशन है मई वाली, उसमें कैपिटलाइजेशन जारी रहेगी सर, तो प्लीज कितने मंथ्स बन गए फाइनली? 8 मंथ्स एंड हाफ बने, 9th है, 9 में से कौन से 15 डेज इग्नोर हो रहे हैं सितंबर के? तो मल्टीप्लाइड बाय 8.5, सोचने कर ली दोबारा और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले मेरे ख्याल। फरवरी टू अक्टूबर एक्सक्लूडिंग 15 डेज ऑफ सितंबर, किसी और तरीके से एक्सप्लेन अगर आप करना चाहें तो वो भी ठीक है। फरवरी टू अक्टूबर एक्सक्लूडिंग 15 डेज ऑफ सितंबर, अगर आप अदरवाइज लिखना चाहें कि फॉर एग्जांपल फरवरी से अगस्त, सितंबर का हाफ, अक्टूबर एस जुलाई। एनी कंफ्यूजन? तो दिस 350 मिलियन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर 11 मंथ्स, पहला पॉइंट 11 मंथ्स, 11 बैंक 11 मंथ्स के लेगा। मैं इसलिए भी ये शायद बात कर रहा हूँ फाइनली, ताकि आपके जहन में ये भी आ जाए कि किन मंथ्स का हमने इंटरेस्ट नहीं लिया, ये बताएंगे किस टाइम कितना टाइम पीरियड का नहीं ले रहे हम, 2 महीने वो देंगे और आधा महीना ये हो जाएगा, तो शायद फिर जो 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाए। हम जो कैपिटलाइज कर रहे हैं वो तो 8.5 मंथ्स का, जो कैपिटलाइज नहीं कर रहे, और बेटा जनवरी क्यों लेना है, वो तो ईयर एंड के बाद है। बेटा लोन लिया फरवरी को,
लोन ही फरवरी को लिए, तो ये वाला जनवरी क्यों नहीं लेना, लोन ही नहीं है, अगला जनवरी क्यों नहीं लेना, वैसे ही अगला साल है और हमारा एसेट ही कब कंप्लीट हो गया है, कब से कब तक टाइम पीरियड गिना है, आंसर बताइए। 39.67 पे राउंड ऑफ कर, ये नहीं कंफ्यूजन सर, छा गए हैं सर, सर मेरी बात तो सुने, आपको पता है उसके बाद भी जब इंस्टॉलमेंट दे देंगे उसके बाद भी बैंक ने अगले पैसे लेने हैं तो फिर वो भी ले, सर जी ये तो ना करें यार, क्या जब लोन ले लिया है तो जितना फ्यूचर का इंटरेस्ट है इकट्ठा रिकॉर्ड कर लें, या जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरेगा वैसे वैसे रिकॉर्ड करें, असल में होता ये नहीं, जब भी कोई बात हो 7 वर्ष उधर से पंगा होता है कभी उधर से हो जाता है, तो ये इस वजह से प्रॉब्लम होता है, तो आज मेरा भाई जरा मेरे पास आके देखें, आ जाओ वैसे ही है, मैं इकट्ठी बातें करेंगे दोनों, कभी वो लेता वो मेरे से पंगा लेने की बजाय आपकी तरफ से ले लेता, नहीं सर मुझे पता है कि ये सवाल वैसे ही जहन में आ गया, उसकी वजह ये है कि माजरत के साथ मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उस भाई कभी पंगा कभी मेरी तरफ देख के हंसता है, नहीं नहीं मुझे मेरी बात भी समझने की कोशिश करें, मैं नहीं कह रहा कि आपने कोई गलत बात की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये गलत की वजह ये है कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तो दूसरे भाई को बुला लेता हूँ अगर आप नहीं आ रहे, वो तो आ जाए यार, आ जाए मेरा भाई मेरी तरफ देख के ऐसा कर, कभी कभी डेबिट साइड में देखता है कभी क्रेडिट साइड में, सीधा मेरी तरफ आ, नेक्स्ट देखिए सर, ये स्पेसिफिक की गेम हो गई यहाँ तक, कंसंट्रेशन सर, लेस क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम सोचना कैसे है, इसी करें इधर वर्किंग एक मिनट लगा दो, इंडिविजुअली जरा सोच के वर्किंग करो और गलती से ना डरे, डिटेल ऑफ पेमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन सा कॉलम, स्पेसिफिक, लोन कब लिया, कितना लिया, 350 कैश आ गया पहले दिन ही, 160 चला गया, कितना रिमेनिंग रह गया, किस दिन 190 रह गया, फर्स्ट फरवरी डेट देखें, 160 जाने से 190 रह गया था, कब जरूरत पड़ी इसकी, 1 मई, 190 की फर्दर जरूरत कब पड़ी, 1 फरवरी पे 350 में से 160 चला गया, 190 बचा 1 फरवरी पे, फर्दर यूटिलाइज हुआ 1 मई को जाके, तो फरवरी मार्च अप्रैल बस इन 3 महीनों का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम सरप्लस रहा ये बैलेंस, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट फिर इन्वेस्टमेंट इनकम में आ जाएगा, इन 3 मंथ्स में कुछ सस्पेंशन सीज का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, आंसर बता दें कैसे फाइंड आउट करूं, 190 इंटू 10% इंटू कौन से 3, फरवरी मार्च अप्रैल, लिखें सर 4.75, अभी आगे भी वर्किंग करनी है ना, क्या हो गया अभी सरप्लस फंड्स रहते नहीं, तो सर ये एक ही साल में कैसे खत्म हो गए, हो गए सर हो गए, मई वाले दिन 190 चलेंगे फिर फर्स्ट मई को, तो सिंपली बस नेट ऑफ करके बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ जाएगी 34.92, सीरियस होते रहे कांडी प्लीज, एनी कंफ्यूजन, जर्नल की वर्किंग करें, ये भी करनी खुद से करें, करके देखें कोई मसला तो नहीं आ रहा,
सबसे पहले फार्मूला डिफाइन करा, एक्सपेंडिचर इंटू कैपिटलाइजेशन रेट इंटू टाइम पीरियड, बता सस्पेंशन पीरियड नेसेसरी है, उस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहनी है। वैसे भी मई तो इस इन्वेस्टमेंट इनकम में तो मई आई ना, वो नेसेसरी सस्पेंशन है, जी सर। एक्सपेंडिचर कहां से मिलेंगे? टेबल से मिल गए हैं। कौन कौन से? 170 और 170 और 160। कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत है, मेरा ख्याल गिवन है। क्या कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ना? क्या एक से ज्यादा रनिंग फाइनेंस है जो जनरल यूज हो रहे हैं? अब इसकी बेटा वर्किंग रख, ये बात समझिए प्लीज। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट हो गया, बैंक एक्स बैंक वाई की वर्किंग होगी। इस वर्किंग को फाइनल करने के लिए कर्णी बोल रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कल भी आपने रिवाइज दोबारा किया जाके, एक मिनट बोल रहा सामने रखें, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर 76 कर्णी जरा सामने रखें। पेज नंबर 76 के एंड में जो टेबल है वो कैंडी एक नजर देखें। उसमें बेटा जो पहला लोन था वो तो स्पेसिफिक था शायद, दूसरे पे नहीं, दूसरा असल है। जब आप रेट कैलकुलेट कर रहे थे तो दूसरे लोन का ब्रैकेट में से आपने इंटरेस्ट लिया और ब्रैकेट में से ही आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिया, एवरेज बैलेंस लिया, क्लोजिंग लिया, एवरेज लिया। और तीसरी लाइन में कितनी अमाउंट थी? 90 लाख, 90 लाख रुपीज की जो अमाउंट थी वो क्लोजिंग के साथ साथ एवरेज भी था। वो क्यों था? ब्रॉड डाउन भी वही था, कैरी डाउन भी हमारे पीरियड में वही था, पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा था। तो आपने एवरेज बैलेंसेस लिए हैं दोनों केसेस में। जरा बोर्ड पे देखें, जरा यहाँ इंटरेस्ट कितना नजर आ रहा है लोन एक्स का? 15.4। लोन वाई का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, तो ये हम प्लस कर देंगे, बोरिंग कॉस्ट प्लस हो जाएगी, टोटल बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस के तौर पे इन तीन फिगर्स में से कौन सी उठाएंगे? 130 उठाएंगे, 150 और 600 उठाएंगे, क्या उठाएंगे? तो इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे होगा और वही फिर बेस में आएगा। बात क्लियरली फॉलो कर ली सबने? ये वाला मसला जो कल भी उठा था और उससे काफी लंबी एक बहस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 में जाएं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 साथ साथ चीजें रिवाइज भी करें यार। क्वेश्चन नंबर 10 की लास्ट लाइन, वहां एक 60 मिलियन पे काफी लंबी बहस होती रही थी। क्या आपने 9 मिलियन लिया था? इंटरेस्ट की वर्किंग में 9/60 किया, तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज बैलेंस। यहाँ भी इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज बैलेंस होगा कैपिटलाइजेशन रेट के लिए, लेकिन वहां जो एवरेज बैलेंस था उसको फिर हमने सोचा ये था कि क्या यही क्लोजिंग है या डिफरेंट है, और फिर हमने डिसाइड किया था वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन अगर यहाँ बनाएंगे इस सवाल में जो इस वक्त कर रहे हैं, तो इस केस में एवरेज बैलेंस लेंगे या क्लोजिंग लेंगे? यहाँ ये अजम्पशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ क्लोजिंग अवेलेबल है। क्या क्लोजिंग और एवरेज सेम हो सकता है? दोबारा पेज 76 पे जाएं, पेज 76 का लास्ट टेबल लास्ट लाइन, क्या एवरेज और क्लोजिंग सेम भी हो सकता है? सेम भी हो सकता है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो फिर हम डेफिनेटली क्लोजिंग ही लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और एवरेज लिखेंगे कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन में। अब सही डिफरेंस क्लियर हो गए? आई वर्किंग अमाउंट, ये तीन चार लाइनें इसके नीचे रख लें, कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग अमाउंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी साथ साथ फॉलो करते हैं प्लीज।
सर फिगर्स बोल दीजिए आप। 15.4 44.2 डिवाइडेड बाय 140 प्लस 390 इनटू 100 11.25% यूज करें और फाइनल डिसीजन खुद लें। कम से कम रेट की कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा, आंसर भी बोर्ड से ना देख लीजिएगा। रेट को यूज करके वर्किंग फाइनल करना सर, एक्सपेंडिचर्स ढूंढना। टाइम पीरियड प्लीज सही सोच के लिखिएगा, दोनों गलत हो गए। जी मिस्टर अब्दुर्रहमान मंथ्स काउंट करके बता दें, लगा लें एक मिनट जरा, कर लें कर लें, ये तो आवाज आई है गलत लग रही है। कौन से मंथ्स नहीं गिनवा दे रहा, कहाँ से लेने हैं, शुरू कहां से करना है? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 बन गए, आखिरी दो क्यों नहीं? कैपिटलाइजेशन रुक गई है 31 दिसंबर में, अब सितंबर में आ जाओ, सितंबर का आधा महीना कैपिटलाइजेशन जारी रहेगी। मई आ नहीं रहा, मई आ रहा बीच में से, मई आ रहा है, मई आ रहा, मई के 15 दिन तो नहीं निकालने, कौन से 15 निकालने? तो 5.5 कैसे बने जी, 6 पूरे सीज डेट तक 6 और 15 दिन सितंबर के, मई के क्यों नहीं? वो नेसेसरी सस्पेंशन है, मैंडेटरी सस्पेंशन, ये प्लीज क्लियर ले, हो गया जी, फॉलो कर लिए प्लीज 5.5। दूसरा करें 1.5 कैसे, अगस्त सितंबर डेट कौन सी इसकी, अच्छा 1 सितंबर है, सितंबर अक्टूबर और सितंबर का हाफ निकल गया, ये एक्सप्लेन कर लीजिएगा आप लोग, कुछ ना कुछ लिख लें दिक्कत। अक्टूबर के एंड पे क्यों रुक रहे हैं? फाइनल आंसर सर, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स फाइनल कर लिया आप लोगों ने? जी 170 जरा कर लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, फर्स्ट मई पे एक्सपेंडिचर है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर सीज डेट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट लाइन, अब इन 6 महीनों में बनते 6 ही, वैसे सितंबर के 15 डेज भी आ रहे हैं जहां अननेसेसरी स्टॉपेज रही है, तो 6 में से हाफ 15 दिन निकाले तो 5.5 हो गया, और 1 सितंबर से सितंबर अक्टूबर 2 महीने, और 2 महीनों में सितंबर के 15 डेज दोबारा आ रहे हैं, प्लीज समझ आ जाएगा प्लीज, तो 2 में से हाफ मंथ गुजरा तो 1.5 हो गए। जाना सुन क्लियर हो गया बट आपको, बेटा 1 सितंबर को जो फिगर है 160 रह गई है, 10 उसमें वैसे ही नहीं लेना, और बेटा नेसेसरी डिले नहीं है इसलिए तो निकाल रहा हूं, नेसेसरी डिले नहीं है इसलिए तो आधा महीना निकाल रहा हूं।
अगर नेसेसरी डिले होता मैं की तरह तो फिर हम उसे भी कंसिडर करते। तो हाफ मंथ क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि नेसेसरी डिले नहीं है। ठीक है, फाइनली क्लियर? आप ये फाइनल फिगर्स को सॉल्व कर लेंगे, 8.77 एंड 2.25, 11.02। अब 76 अगर आपने लिखा तो 0.1 होगा, 0.01 होगा, सही आ क्या रहा है वो बता दो मुझे, 8.77 ही। चलिए ठीक हो गया सर, अल्लाह मालिक। जी अब फाइनल हो गया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी कंप्लीट कर लीजिए, टोटल रहता है कर ले फाइनल। एक मिनट जस्ट अ मिनट, किसी कंफ्यूजन रह गई हो? टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। ये बेटा आप कंफ्यूजन तो नहीं कर ली रहेगी, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, इनका क्वेश्चन से रिजॉल्व हो गए, मंथ सब क्लियर होंगे, 5.5, 1.5। जी सर, तो बेटा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में ऐड तो नहीं ना करेंगे, उसमें करेंगे जिसमें आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो नहीं। आप आगे जा रहे हैं, मैं अभी आता हूँ। चलिए सर, अब रिक्वायरमेंट दोबारा देखें क्या करना चाहिए। बेटा ये क्या हो रहा है, ये क्या सवाल हो रहा है इस वक्त, आप लोग करें क्या? बेटा पहली बात तो ये 170 लोन ही नहीं है, प्लीज ये लोन ही नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है जनरल से जो हो रहा है। तो पहले बात तो ये कि एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, तो 1 सितंबर को जो एक्सपेंडिचर है ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट इनकर होना है इस पर। तो बेटा ऑनवर्ड्स में अक्टूबर भी तो आएगा, अगर ये 1 सितंबर को, तो ये भी 1 मई पे है, तो फिर जून जुलाई की काउंट हो रहा है। एक्सपेंडिचर की डेट से बैलेंस शीट डेट तक आना होता है, अनलेस सीज या सस्पेंशन डेट आ जाए, सीज पी डेट आ जाए या सस्पेंशन पीरियड आ जाए। तो इस तरह की बातें तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा और रिजॉल्व हो। ये पहली बात, ये लोन नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है, और सेकेंडली एक्सपेंडिचर की डेट से ऑनवर्ड्स बैलेंस शीट डेट तक जाए अनलेस सीज या सस्पेंशन डेट आ जाए। जी सर, ये रिक्वायरमेंट देखकर बताइए क्या रहेगा। अब एक्सट्रैक्ट की तरफ सोचा जा सकता है, आए को करके देखते हैं, फर्स्ट पेज पे आएंगे। सर जी सीरियस रहे, सीरियस रहे, बहुत सी वर्किंग्स आनी है सर और करवानी चाहिए। बिजनेस नेम लिखें, ऑक्टागन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज ऑन 31st December 18 रुपीज इन मिलियंस, रुपीज इन मिलियंस, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स लिखा,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी वैसे है, मैंने पहले वो बनानी तो वो बना लें, पहले आप कोई स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बना के देखते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी बना लेते हैं जी। नॉन करंट एसेट्स सवाल आपके सामने रिपीट होना वैसे इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह क्या आना चाहिए? नहीं सर जी, बहुत कुछ आना, पहले तरतीब से देखें। सबसे पहले कोई एसेट बन रहा, किस नाम से आएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या चीज बन रही है? बल्कि सही है, सही कर रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के नाम से आएगी या बिल्डिंग के नाम से? बन रही है, बन गई है, कैसे पता चला? क्या वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई भी है, इसकी भी एक वर्किंग में है बराबर के सर। यहाँ कैपिटल वगैरह आपने फाइनल किया, पहले इसकी एक वर्किंग करवा दें। बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट आनी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो कैरिंग अमाउंट तक कैसे पहुंचेंगे? कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन, फाइनल वर्किंग करवा दो। बिल्डिंग पहले कॉस्ट, कॉस्ट कैसे? ये एक्सपेंडिचर्स की तरफ है जी सर, ढूंढने एक्सपेंडिचर। एक एक करके जरा फिगर्स बोलना चाहूंगा ना, एक्सपेंडिचर आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। पहली फिगर नहीं बोली आपने, 30 लेना, 30 क्यों लेना? बिल्डिंग बन रही है, परमिट फी ली है, क्या बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल हो जाएगी? बिल्डिंग का खर्चा है, परमिशन परमिट कैपिटलाइज हो जाएगा खर्चा। 30 पहले फाइनल कर लें, एक मिनट, 30 पे कोई त्रास? अगली फिगर 80 तो एडवांस है, एडवांस है या था? कंसंट्रेट करना फुली जरा, किस दिन पे हो एडवांस? 1 जनवरी को एडवांस की एंट्री बोला, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, यकीनन उस वक्त एडवांस था, लेकिन हम एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, क्या बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है? तो अभी भी एडवांस ही है, ये कब तक एडवांस रहा था? क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, उसकी एंट्रीज में जाएं, क्या एडवांस फिर हमेशा ही एडवांस रहता है? वहां क्वेश्चन ने बताया हुआ था कि बिलों से कट कट के एडवांस ने खत्म होना है, लेकिन अगर बिलों से ना भी कटे तो एसेट ही कंप्लीट अगर हो जाए, क्या फिर एडवांस एसेट में चला जाएगा? चला जाएगा। इस तरह करें, जहां ये एडवांस आपने देखा वहां इसकी दो एंट्रीज लिखें, नहीं जहां बुक पे देखा वहीं लिखें, अभी दोबारा का नजर पड़े तो राइट टाइम पे राइट राइट साइड पे थोड़ी सी जगह जरा क्रिएट करें। 80 की एंट्री लिखें 1 जनवरी पे, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, और जब भी, अब हमें नहीं पता है किस दिन ये कैसे कैसे खत्म हुआ, लेकिन क्या फाइनली 31 अक्टूबर पे आके ये एडवांस खत्म होने का भी मतलब सही क्लियर करना, ये एडवांस के जो पैसे थे फिर कहाँ चले गए? क्या ये एसेट को बनाने का खर्चा था? शुरू में एडवांस इसलिए लिखा था कि अभी एसेट बनना शुरू हुआ था, लेकिन जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीनरी खरीदी हो, मशीनरी खरीदनी है, सप्लायर ने एडवांस में पैसे मांगे, तो क्या एंट्री करेंगे? अब सप्लायर ने पैसे एडवांस मांगे, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन जब बिल्डिंग सॉरी जब मशीनरी आ जाएगी तो फिर मशीनरी के नाम से एसेट बन के एडवांस खत्म हो जाएगा, तो जब बिल्डिंग बन गई है तो मशीनरी के नाम से सॉरी बिल्डिंग के नाम से अब एसेट आएगा रादर देन एडवांस, तो क्या एंट्री करेंगे 31 अक्टूबर को? बिल्डिंग डेबिट एडवांस क्रेडिट। तो यकीनन ये एडवांस था, लेकिन अब ये एडवांस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाना चाहिए। पूरी बात समझ आ गई? समझ आ गई सर? उधर ही जाए दोबारा सवाल में, जहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 में लेके गया था, आंसर देखें उसका, आंसर आंसर रजिस्टर में।
क्वेश्चन नंबर 10 प्रेशी स्टील एंट्रीज, वहां शायद कुछ एडवांस अभी भी बचा हुआ था क्योंकि शायद अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, दो बिल रहते थे शायद उसके, छह महीने भी रहते थे, लेकिन यहाँ बिल्डिंग कंप्लीट होने की वजह से सारा एडवांस कैपिटलाइज कर दिया मैंने, ये तो शुरू में ही हो गया था, सारा सारा एडवांस अब फाइनली एसेट की कॉस्ट में शामिल हो गया। कोई इसी जगह कंफ्यूजन? तो सर जी बड़े होना सर, कब से सर? जजाकल्ला जी सर, वहां बताया हुआ था कि साथ साथ एडजस्ट होना है, यहाँ बताया तो नहीं है लेकिन आखिरकार एंड में तो एडजस्ट होना ही है। सर जी जाने दें, गुस्सा क्वेश्चन छोड़े हैं, वैसे अपनी बिल्डिंग सामने आपने बिल्डिंग एडवांस दिया था, बिल्डिंग बन गई है और आप वो पैसे वापस ले लेंगे, आप वो एडवांस एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस का मतलब अगर एसेट बना रहे हैं तो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। आइडियली तो शायद डेट्स होनी चाहिए कब कब कितना कितना एडजस्ट हुआ, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एसेट अब तो ये एडवांस खत्म हो जाएगा। जी सर 30 एंड 80 समझ आ गया? आगे बढ़े 250 आराम आराम से फिगर्स देखें, 360 170 में से 160 10 किधर जाना है? वो प्रॉफिट लॉस में याद भी करवाना है, ये सब आना है सारा। 170 क्यों नहीं लिया मैंने? 170 या 160 आगे 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 150 यस सर, कंसंट्रेशन सर, क्या बिल्डिंग का हिस्सा इसी साल बनना है? इसी साल बनना है, क्या पेमेंट अगले साल है? इस 150 की एंट्री बोले ना ना पेबल सिर्फ नहीं है, डबल एंट्री डबल एंट्री डबल एंट्री, क्या खर्चा हो गया है, क्या पे हो गया है, टेबल में क्यों नहीं लिखा, पेमेंट नहीं हुई लेकिन क्या एक्सपेंस हो गया है, डबल एंट्री बोले लेकिन एक्सपेंस कहाँ डेबिट, बिल्डिंग का एक्सपेंस है, बिल्डिंग डेबिट करेंगे सर लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे, पेमेंट कब हो रही है, बिल कब आया है, इसी साल है। दोबारा सवाल नंबर 10 ढूंढे, सवाल देखे हम आंसर नहीं, क्या उसमें भी ऐसी कोई स्टोरी थी? फोर्थ बिल देखें, फोर्थ बिल आया कब था? इसी साल। पेमेंट कब होनी थी? अगले महीने की 15 तारीख को। क्या उसकी कोई एंट्री की थी? लेकिन वहां एंट्री में जरा कॉम्प्लेक्सिटी थी, कोई रिटेंशन मनी थी, एडवांस डिडक्ट होना था, इसकी एक पूरी कंपाउंड एंट्री ढूंढे अब रजिस्टर में, रजिस्टर में ढूंढे सर, एंट्री हमें बड़ा इसी साल की थी यार, वर्क इन प्रोसेस में इसलिए कहा था क्योंकि एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एडवांस कटना था, रिटेंशन मनी कटनी थी, इसलिए बैलेंसिंग पेबल था। यहाँ रिटेंशन मनी नहीं है, एडवांस नहीं है, यहाँ एसेट बन भी गया है, तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोसेस की जगह और सारा पेबल है कितने रुपीज से? 150 मिलियन से, तो 150 एसेट की कॉस्ट का हिस्सा भी बनेगा, और जब आप मुझे करंट लाइबिलिटीज में याद करवाएंगे तो वहां पेबल भी आएगा। ताना सर तो सही तरह क्लियर करके कर ली लिखे, वाई 150 एक्सपेंस हो गया है, पे नहीं हुआ, पे नहीं हुआ तो पेबल में भी आएगा जी। सॉरी रिपीट करने क्या कह रहे, नहीं लिखा, वाकई नहीं लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इसकी पेमेंट डेट ये कम जनवरी है, कई क्वेश्चन देख के पता चलना, पेमेंट डेट नेक्स्ट ईयर में है सर जी। सर सम कीजिएगा सर, सर जी सम ही कर दें सर, 10 what is 1030
ये टोटल एक्सपेंडिचर्स है अभी प्लस क्या होना है इसमें, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होना है। बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज 45.94। फाइनल आंसर 1075.94। व्हाट इज दिस कॉस्ट, और यही कॉस्ट कैरिंग अमाउंट भी है। क्या डेप्रिसिएशन आनी है, कितने मंथ्स की, ये करें वर्किंग। कौन से दो, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में तो काम ही नहीं हुआ इसका यार। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, आंसर बताएं 5.98। प्लस कर दे माइनस कर दे, तो दो महीनों की एक्युमुलेट हुई है ये। तो फाइनली द कैरिंग अमाउंट 1069.96। एक नजर रिवाइज कर लें, कोई फिगर में इश्यू तो नहीं। एनी कंफ्यूजन है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए सर प्लेस करें जी फिगर, कहाँ जाना है इससे? तो बिल्डिंग के सामने आ गया बेटा 1069.96। ना करें सीरियस रहे, संजीदगी प्लीज जी। सर क्वेश्चन सामने रखें, और कोई नॉन करंट एसेट ढूंढे आप प्लीज ढूंढे, ट्राई ट्राई पूरा सवाल देखा करें। मैंने नॉन करंट बेटा एसेट का है, कोई करंट एसेट ढूंढना, कोई रिसीवेबल, कोई स्टॉक, कोई डेटर। चलो आगे, कोई इक्विटी ढूंढना, कोई शेयर कैपिटल। नहीं बेटा वो तो खत्म हो गया, वो जो कैश था वो तो नहीं है सर। ये किसे पता चला वो कैपिटल से पैसे आए थे? वो तो अपने पैसे संभाले हुए थे। क्या वो शेयर्स इशू करके पैसे आए थे? ये तो नहीं लिखा। आ सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना, अपने बिजनेस का जो कैश है कस्टमर से मिलता है उसका कुछ हिस्सा संभाला हो। तो इसमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं कि शेयर्स इशू करके पैसे आए। वो क्वेश्चन नंबर 10 आपके जहन में आया, वहां बताया हुआ था कि राइट शेयर्स इशू करके पैसे आए। ठीक है, ठीक है सर। इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज हेडिंग लिखी। तो ये एक्सट्रैक्ट्स बनाने, जहां जिन हेडिंग्स में फिगर्स नहीं है उनको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज और दो लाइनें इसके नीचे छोड़ के जरा करंट करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग में लिखे। अब भाई जरा फिगर्स ढूंढने का, लाइबिलिटीज जेन में रख के पहले लोन पे आ जाना।
और काइंडली करवाना, अब इसमें मिस्टेक्स होती हैं, अब नहीं होनी चाहिए। लोन ढूंढने की 350 मिलियन, लोन का कैश तो खत्म नहीं हो गया वहां, तो यहां मैं कैश लिख ही नहीं रहा, मैं लोन लिख रहा हूं। क्या लोन खत्म हो गया है? वो कब खत्म होगा? जब वापस करेंगे, जब वापस करेंगे। 350 मिलियन की एंट्री बोला, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, बाद में कैश तो यूज हो गया, लोन तो एज इट इज इंटैक्ट है, उसकी रीपेमेंट कब से स्टार्ट होनी है? लुक एट द क्वेश्चन, गौर से देखना। एनुअल इंस्टॉलमेंट हेडिंग होना, 5 equal annual installments, कैलकुलेटर पकड़ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट? 350 divided by 5, 70 जेन में रख लें, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की तरफ आए, लोन का अपने जेन में पहले लेजर बनाए, लोन लिया कितना था, साल के एंड पे आ रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, पूरा का पूरा ही है, नथिंग हैज बीन रीपेड अप टू 31st December 2018, तो क्लोजिंग बैलेंस अब है 350। इसका ब्रेकअप करना है करंट और नॉन करंट में, इसमें से 70 जाएगा अगले साल और एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो एक ही 70 जाएगा अगले साल और बाकी डिफरेंस में 280 रह जाएगा नॉन करंट पे, तो एक ही एनुअल सालाना इंस्टॉलमेंट है। कौन सी डेट पे पेमेंट होनी है इसकी? 1st January 19, और अगली कब होगी फिर जाके? 1st February 2020, तो अगले साल सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट जानी है। तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस फाइनली? 350, उसमें से करंट 70 और रिमेनिंग लिखे लिखे। और ये तरीका करनी फाइनल है, पहला काम क्लोजिंग ढूंढना, दूसरा काम अगले साल के पैसे ढूंढना, और आखिरी काम रिमेनिंग पैसे ढूंढना। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 280 इन करंट लायबिलिटी, इज सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज, 350 माइनस 70 280। नहीं, करंट लायबिलिटीज में जाके वर्ड्स भी अब याद रखे हैं, करंट पोर्शन ऑफ लोन है ये, लॉन्ग टर्म लोन है शायद, करंट पोर्शन ऑफ लोन, करंट पोर्शन ऑफ लोन इस अमाउंट तक कैसे पहुंचे हैं? 350 डिवाइड बाय 5, और एक ही एनुअल इंस्टॉलमेंट है, देयर इज ओनली वन एनुअल इंस्टॉलमेंट, सालाना एक है, टोटल 5 है लेकिन नेक्स्ट ईयर में एक है। एनी कंफ्यूजन जानना स्टूडेंट्स? जी कुछ और? रिटेंशन में नहीं, अब इन सवालों में नहीं है, इस सवाल में नहीं है जो पिछले सवाल में थी, तो ठीक है चीजें अब आ रही हैं। पहले जरा रनिंग फाइनेंस फाइनल करवा दो। रनिंग फाइनेंस जो है ये तो जनरल बोरिंग नहीं, तो जनरल बोरिंग तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए ये बहस खत्म हो चुकी है कि जनरल कौन सा था, स्पेसिफिक कौन सा था। अब सिर्फ ये डिसाइड होना है कि लोन अगर है तो करंट में आना है या नॉन करंट में आना है। तो रनिंग फाइनेंस है ये हमेशा शॉर्ट टर्म लोन के लिए वर्ड है, तो करंट लाइबिलिटीज में आना है, लेकिन काइंडली अमाउंट आपने फाइनल बतानी। दो रनिंग फाइनेंसेस है, तो रनिंग फाइनेंस करंट लाइबिलिटी, और फिगर्स अगर बोल दें तो बेस्ट है, 130 प्लस 340 क्लोजिंग बैलेंस ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में आना है, एवरेज का कोई काम नहीं है। हाँ, अगर हमें पता चल जाए कि एवरेज ही क्लोजिंग है तो वो बात अलग है। बेटा हमजा, ये तो रोज आके काम करने वाले थे, अगर आप रोज नहीं आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ये फिर इसी तरह के सवाल करेंगे। अगर अगले साल दो इंस्टॉलमेंट्स होती तो क्या हम दो इंस्टॉलमेंट्स के पैसे करंट लायबिलिटीज में लिखते? आगे हमजा ऐसे ही करते हैं यार। अगर अगले साल 12 इंस्टॉलमेंट्स होती तो हमजा पेज नंबर 458 दोबारा रिवाइज करना है, 12 इंस्टॉलमेंट से बेटा हो सकती है, अगले साल जो पैसे देने में करंट लायबिलिटी है। ठीक है हमजा, सही जवाब दिया मैंने। जी सर जी, रनिंग फाइनेंस फाइनल हो गया।
दो चीजें और आनी है, कंसंट्रेट करें जरा प्लीज। सबसे पहले आए जरा इंटरेस्ट पेबल एक कर लें, वो तो इजी है। एक और चीज है इंटरेस्ट पेबल, देखें जरा। नहीं बेटा अली हैदर गलत कह रहे हो, ये फाइनल करें यार, इंटरेस्ट वाली वर्किंग भी। इंटरेस्ट पेबल लिखें जरा दोबारा, ये लोन वाला पॉइंट पढ़े जरा दोबारा, लोन वाला पॉइंट जहाँ ये 5 मिलियन सॉरी 70 मिलियन की इंस्टॉलमेंट निकाली हमने। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, कंसंट्रेट कीजिएगा दोबारा। लिखा हुआ है प्रिंसिपल इज पेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट फ्रॉम 1 फरवरी 19। पहली इंस्टॉलमेंट की डेट बोल रहे, 1 फरवरी 19 वाले दिन किस डेट से लेके किस डेट तक का इंटरेस्ट 7 पे होगा। 1 फरवरी 18 से लेके 31 जनवरी 19 तक का पे होगा। पहले प्रिंसिपली डिसाइड करना था, बोले कहां से कहां तक। 1 फरवरी 18 से लेके 31 जनवरी 19 तक का इंटरेस्ट 1 फरवरी 19 वाले दिन पे होना है। लेकिन हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं 31 दिसंबर 18 पे, तो फिलहाल लोन लिए हुए 11 मंथ्स गुजरे हैं। जो मैंने जनवरी आके बोला क्या वो इंटरेस्ट हमारे पीरियड में अगले पीरियड में, लेकिन पेबल तो हमारे साल के एंड पे हो गया ना। जब टाइम ही नहीं गुजरा तो पे उसने कहा पेबल कहां से होना, तो कितने मंथ्स का हमारे पीरियड में टाइम गुजर गया है। अब यहाँ ये बहस बिल्कुल रेलिवेंट है कि उसमें से तो कैपिटलाइज इतने महीनों का होना था और इतने महीनों का एक्सपेंस आउट होना था, वो अकेला था बहस है। बैंक ने कितने महीनों का इंटरेस्ट हमसे लेना है, 12, लेकिन 12 में से 11 गुजरे हमारे पीरियड में। क्या 11 महीनों का वो इंटरेस्ट हमने इस साल पे कर दिया है, क्या इस साल का पेबल अभी रहता है। तो 11 महीनों का लूंगा, 1 महीने का लूंगा इंटरेस्ट पेबल या 12 महीनों का लूंगा। जो 1 महीना अगला है उसकी तो बहस ही नहीं है, तो कौन से 11 मंथ्स का इंटरेस्ट पेबल है या सारा ही पेबल है। ये कैसे पता चला सारा ही पेबल, इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट है। तो 11 मंथ्स गुजर गए, 1 मंथ और अगला शामिल होके नेक्स्ट ईयर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 7 पे होना है। तो प्लीज क्लियर है कैंडी, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में करंट लाइबिलिटीज में आएगा या नॉन करंट में। करंट में क्यों आएगा, नेक्स्ट ईयर 1 फरवरी पे हो जाना। डन है प्लीज, आए अपने हाथों से वर्किंग लिखें। ये बड़ा फाइनल है सब, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। वर्किंग करवा दे, इनटू कौन से 11 यार ये तो सारे कैपिटलाइज ही होने, तो ये सारे पेबल कैसे हो सकते हैं। जो कैपिटलाइज होने हैं वो कैपिटलाइज हो जाएंगे, जो एक्सपेंस आउट होने वो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, तो बनेंगे 11 ही बनेंगे। एक सेकंड जरा रिलेट कर लें, वो स्पेसिफिक बोरिंग वाली वर्किंग में जाए जरा। स्पेसिफिक बोरिंग का जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ 11 में से 11 ही बनते थे वहां भी अगर याद आ जाए तो, 8.5 मंथ्स का कैपिटलाइज हुआ है और 2.5 मंथ्स काउंट करने की कोशिश करें, नवंबर दिसंबर और सितंबर आधा, वो जो 2.5 महीने का इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट लॉस में जाना है, वो इंशाल्लाह मुझे आपने वहां याद करवा देना है। तो 8.5 मंथ्स का कैपिटलाइज हुआ मींस एसेट डेबिट हुआ, 2.5 मंथ्स का एक्सपेंस डेबिट होगा। हम यहाँ इस वक्त क्या लिख रहे हैं, जो पेबल 11 मंथ्स का क्रेडिट होगा, पेबल 11 मंथ्स का है, डेबिट कहाँ कहाँ गया, 8.5 मंथ्स का एसेट में और 2.5 मंथ्स का एक्सपेंस में डेबिट होगा। तो यहाँ इस वक्त पेबल की बात हो रही है, हजम है बात, आंसर बता दें। 51.33 कंप्लीट करें यहाँ तक।
जी डियर, एक फिगर और ढूंढ दें। अब एक आसान सी रहेगी फिगर ढूंढने, जरा बात इसकी हुई है। लाइबिलिटीज में एक लास्ट फिगर ऑब्वियसली कहीं नजर आ रही है, पेएबल टू कॉन्ट्रेक्टर। क्या सारे बिल ही पेएबल टू कॉन्ट्रेक्टर है? कौन से रह गए, कौन सा रह गया? पेएबल टू कॉन्ट्रेक्टर 150 ढूंढे, सीधा एंट्री ढूंढे। पेएबल क्रेडिट करंट लाइबिलिटीज में क्यों लिखा मैंने? डेट बताई भी है, अगले अगले साल के अगले दिन, जस्ट अगला दिन। तो करंट लाइबिलिटी किसे कहते हैं? नेक्स्ट 12 मंथ्स, चाहे पहली तारीख हो या आखिरी तारीख हो, पूरे 12 महीनों के अंदर अंदर। एनी अदर थिंग? एनी अदर थिंग? एक और चीज जरा सोच लें, रनिंग फाइनेंस पे दोबारा है। इसके फाइनेंस कॉस्ट एक आ रही है, इसके एक फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, इस पे भी हमने बहस की थी। जरा दोबारा क्वेश्चन नंबर 10 में जाए, पेज नंबर है 73 है। ये नंबर ही बता दो, 72। उसकी लास्ट लाइन में एक 9 मिलियन के इंटरेस्ट पे भी बहस हुई हुई है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए जरा जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसकी आंसर में ढूंढ लेते हैं। नाइन मेरा ख्याल है हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा नहीं था, लेकिन बहस कर ली थी हमने, लिखा था शायद। क्या ज्यूम करके लिखा था सर? वो एक्सपेंस तो था, लेकिन क्या सारा पे हो गया है या नहीं, वहां भी नहीं पता था। और ऑक्टागॉन में है वापस से जहां सवाल करें आप, यहाँ भी फाइनेंस कॉस्ट तो है, उसमें से कितनी पे हो गई है, कितनी रह गई है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। बताएं हुक्म करें क्या लिखो? मेरा ख्याल से यहाँ डैश लगा के अज्यूम डिफरेंट कर लेते हैं। मीन्स उसे दोनों बातें एक्सेप्टेबल है, बाकी अगर लिखना चाहें तो लिखें। अगर लिखें आप ये बता देंगे लिखेंगे तो क्या अज्यूम कर रहे हैं? ऑल इज पेबल। और अगर मैं नहीं लिख रहा तो ऑल इज पेड। हुक्म करें क्या करो? जो करना है जल्दी करें, लिख दें, हम क्या पता। इससे करें जो लिखना चाह रहे हैं वो भी अपनी assumption लिखें और लिखें, और जो नहीं लिखना चाह रहे वो भी ब्रैकेट में assumption लिख के डैश लगा। और मैं दोनों काम करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा। अपना अपना प्लीज प्लीज, एग्जाम में खुद करना पड़ेगा। यकीनन जब एक चीज पहली दफा हो उस वक्त तो ठीक है, लेकिन अगर कभी रिपीट हो तो एटलीस्ट कोशिश जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करें। हेडिंग लिखें सर, ऑक्टागॉन लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बस कर दें सर, बस कर दें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 18। अब तो घड़ी भी देख ली है सर, अब तो लिखे। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट्स, इसका भी एक सीक्वेंस जहन में डेवलप कीजिएगा। जरा सेल ढूंढे, सेल ढूंढे, आगे बताएं क्या ढूंढना है। ढूंढे कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, बिल्डिंग, ग्रॉस प्रॉफिट तक आ जाए। अदर इनकम पे एक मिनट रुके, हेडिंग लिखे अदर इनकम।
अदर इनकम फुल कंसंट्रेट करना था। जी सर स्टार्ट में है जहां ये ओन्ड फंड्स से हिम्मत करनी चाहिए जरा। ओन्ड फंड्स से 200 मिलियन सेविंग अकाउंट में थे 10% 1 जनवरी। डिटेल ऑफ पेमेंट्स में ज्यादा डिटेल ऑफ पेमेंट्स में डी ओन फंड्स ना ना वर्किंग शायद दोनों देखे देखे आराम से एक ही शायद 200 मिलियन में से पहले ही दिन 30 मिलियन और 80 मिलियन दोनों सेम डेट पे कैलकुलेटर पकड़ दो 200 माइनस 30 एंड 80 ये दोनों इकट्ठा माइनस में कर रहा हूँ। पहले दिन दोनों पेमेंट्स हो गए कितना बचा पहले दिन 90 कब इस्तेमाल हुआ 1 फरवरी। अच्छा इस वक्त जब वर्किंग हो रही है इसको भी जरा सही कॉन्टेक्स्ट में क्लियर करिएगा। हम के बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट नहीं कर रहे। इस इन्वेस्टमेंट इनकम का किसी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या है और ये क्या हो रहा है वो है जब स्पेसिफिक बोरिंग का एक्स्ट्रा कैश बचा रहे तो आप इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कर रहे होते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग करते हुए। ये इस वक्त ओन्ड फंड्स बने जो 200 मिलियन थे और 110 मिलियन पहले दिन यूज हो गया 90 मिलियन अपने ही पैसे पड़े थे जो 1 मंथ 1 फरवरी तक एज इट इज रहा। तो इसको कोई कैपिटलाइज वाली बात नहीं हो रही कैपिटलाइजेशन के बेटा कोई बात नहीं इस पे हो रही। ये हम इस वक्त स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बना क्या रहे थे जरा देखें अदर इनकम की बहस हो रही है। ये इंटरेस्ट इनकम बिजनेस की अदर इनकम के तौर पे आ रही है। पूरा 200 मिलियन पे क्यों नहीं आ रहा पहले ही दिन 110 चला गया लेकिन जो 90 है वो 1 मंथ के लिए बैंक में रहा होगा आउटस्टैंडिंग रहा होगा। 1 मंथ कैसे काउंट किया मैंने 1 जनवरी 1 फरवरी तो 80 30 या 90 90 तक कैसे पहुंचा मैं 200 माइनस 30 माइनस 80 आई एम वर्किंग कर और ये कहीं लिख रही है किस चीज की वर्किंग हुई है ओन फंड्स ठीक है ओन फंड्स 200 माइनस 30 ये वर्किंग छोटी सी लिख लीजिएगा 200 माइनस 30 माइनस 80 इज इक्वल टू 90 देन मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1/12 वन जू स्पेसिफाई करें जनवरी 0.75 ठीक है प्लीज अदर इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम ओन फंड्स पे बल्कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम ओन फंड्स इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम ओन फंड्स देन एक दूसरी चीज भी क्लियर करना यहां जरूरी है सरप्लस फंड्स वाली वर्किंग देखें जरा एक मिनट सरप्लस फंड्स जो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में जनरल स्पेसिफिक बोरिंग्स के लिए वर्किंग हुई भी है
जी सर, एक मिनट, स्पेसिफिक फंड्स देखें जरा, स्पेसिफिक लोन कितना था, कंसंट्रेट कंसंट्रेट जी, 50 रख के टेबल में दोबारा जाए, 160 इस्तेमाल हुआ, 190 रह गया, और क्या 190 जितने अरसे का रहा, जितने अरसे रहा, कितने अरसे रहा, वो सारा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में से माइनस हो चुका है, तो वहां से माइनस भी होगा और अदर इनकम में भी आएगा। खुदा के लिए ऐसे नहीं है, ये एसेट की कॉस्ट से नेट हो रहा है। अलग अलग कांड, इस बात को क्लियर कीजिएगा। असल में 39.67 ने एसेट की कॉस्ट में डेबिट होना था, ये बात समझ आती है, बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज होना, डेबिट होना, कितना डेबिट होना था, लेकिन अब उतना डेबिट होने की बजाय कितना डेबिट किया आपने, तो असल में पूरी बात ये कि 39.67 एसेट में डेबिट हुआ और 4.75 एसेट में से क्रेडिट हुआ है, लेकिन रादर देन कि हम अलहदा डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस करें, हमने सिंपली क्या किया है, 34.92 को प्लस कर दिया। सही बात किया, अलहदा अलग कर देखें, बोले जरा कंड रिपीट करें, 39.67 ने प्लस होना था और 4.75 ने एसेट में से लेस होना था, तो क्या ये एसेट में से लेस भी होनी है अमाउंट, और नहीं नहीं एसेट में से लेस भी होनी है और अदर इनकम में भी आनी है। अब जरा अकाउंटेंट बनकर जरा वर्ड सुने जरा मेरे, क्या इसने एसेट से क्रेडिट भी होना है, कैसे वगैरह क्रेडिट हुआ हुआ, और अदर इनकम में क्रेडिट भी होना है, जिस तरह आप 3492 ऊपर है, सॉरी 3.67 पे, क्या ये एसेट में डेबिट होनी है अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट होनी है, कहाँ की बजाय कहाँ डेबिट होना है, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय जो कैपिटलाइज हो रहा है एसेट में डेबिट होना है, और बिल्कुल उसी तरह इंटरेस्ट इनकम ने अदर इनकम में क्रेडिट होने की बजाय एसेट में क्रेडिट होना है, क्या जितने महीनों की इन्वेस्टमेंट इनकम सरप्लस फंड्स ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग्स में बनती थी वो सारी की सारी एसेट में से नेट हो गई है, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस में भी आना है। हाँ, इसमें ये हो सकता था, अगर फर्ज करें ये पैसे बच जाते और कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट हो जाता, अगर सपोज ये सरप्लस फंड्स बचे रहते, कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट हो जाता, तो क्या फिर जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती सर? बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर वन सेम आया मेरे, क्वेश्चन नंबर वन में जाए, अगर कमेंसमेंट डेट से पहले की कोई इनकम हो, सस्पेंशन पीरियड के दौरान की कोई इनकम हो, या सीज के एंड में कोई हो, तो क्या वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी? क्वेश्चन नंबर वन में जाए, प्लीज जाए, प्लीज जाए, प्लीज जाए, क्वेश्चन नंबर वन की लास्ट रिक्वायरमेंट। लास्ट रिक्वायरमेंट का आंसर ढूंढे, 19 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय कौन सा महीना, क्यों, कौन सा क्यों, कौन सा क्यों, जनवरी तो हो गया, क्यों लिया हुआ ये, क्यों लिया हुआ, सवाल में जाएं, सवाल में आज चले ही जाएं, पहला खर्चा कब हुआ था, लोन कब लिया था, तो पहले महीना जनवरी में क्या कैश सारा सरप्लस रहा, उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में गया, लेकिन ए रिक्वायरमेंट में जाएं ऊपर इसी में, क्या कुछ टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट इनकम लेस भी की है, तो जो वहां लेस की है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, या एसेट में क्रेडिट होना है, और या प्रॉफिट एंड लॉस में, किस टाइम पीरियड का एसेट में क्रेडिट होना है, कमेंसमेंट से सीज रेट तक का जो इन्वेस्टमेंट इनकम का बैलेंस है वो एसेट में से क्रेडिट होना है, हाँ जो कमेंसमेंट सीज के बाद या सस्पेंशन पीरियड का है उसने प्रॉफिट लॉस में, एक लाइन काइंडली लिखनी जरूरी है, यहाँ मेरा ख्याल इधर ही लिखेगी जहां ये मसला आया, देर इज नो इन्वेस्टमेंट इनकम from surplus funds
There is no investment income from surplus funds of specific borrowings. Which will be recognized, which will be recognized in profit and loss, in statement of profit and loss. Because all relevant income is already deducted from ये लास्ट वर्ड बताएं क्या लिखें, पहले कंप्लीट करें यहां पे. बिकॉज ऑल रेडीमेड इनकम इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम, सोच के जरा पूरा सेंटेंस पढ़े. नहीं, बोरिंग कॉस्ट मुनासिब नहीं है, और अच्छा करें जरा. हाँ ये सही है, बोरिंग इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज. या तो पूरा करें या डिडक्टेड फ्रॉम एसेट कह लें. डिडक्टेड फ्रॉम एसेट कह सकते हो या डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल ये जो अभी वर्ड बोला गया, फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज. समझ आ रही है कि बात क्या हो रही है? ऑल रेलिवेंट इनकम, 3 महीनों की रेलिवेंट इनकम थी, उसके बाद तो वैसे ही सरप्लस फंड्स खत्म हो गए. इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है? तो बेटा चीजें आपके सामने हैं, ये चीजें डिजर्व करती हैं कि काम सीरियसली किया जाए. अब तो ये भी मैटर करना मेरा मतलब खत्म ही हो गया कि कब से. अब तो लग शुक्र है आप पिछले 2 महीने से मुसलसल इन्वॉल्वमेंट स्टडीज में, 2 महीने कम हो गए. एनी कंफ्यूजन फाइनली सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी चलें जी आगे. क्या बना रहे थे, कहां तक पहुंचे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना, अदर इनकम तक पहुंचे हैं. ओन फंड्स की अदर इनकम आ गई है, स्पेसिफिक फंड्स की बात हो गई है. कोई आप बात करें यहां पर, कोई अदर इनकम में कुछ और? पहले अदर इनकम में कुछ और, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग लिख लें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लें. या एक और वर्ड भी है, नहीं फाइनेंशियल चार्ज से बेटा बाद में भी आने, एडमिन या सेलिंग एक्सपेंसेस आने उसमें कुछ, मेरा ख्याल आना. एक दो चीजें शायद हैं ऐसी, लिख के देखना. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ आना चाहिए, फाइनेंशियल चार्जेस की बहस अलग करेंगे. दो चीजें शायद बेटा यहाँ है, जरा ढूंढे, जरा अपने डेटा देखें, जरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जेहन में रख के जरा अपने क्वेश्चन का डेटा देखें. जी ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस देखें, फाइनेंशियल चार्जेस छोड़ दें, उसकी बहस कर लेते हैं अभी. जी बिल्कुल ठीक है, एक डैमेजेस फॉर रेन है और एक एसेट की डेप्रिसिएशन भी है. डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी और रेन डैमेजेस वाला 10 मिलियन वो भी आएगा. पहले दो तो लिखे, मैं और ढूंढते हैं. डेप्रिसिएशन 5.98 है. अच्छा अब एक्सपेंस ऐसे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, एक्सपेंस को ब्रैकेट लगा रहा हूँ, लग जाएगी. लॉस लॉस ड्यू टू रेन डैमेजेस, लॉस ड्यू टू रेन डैमेजेस कितना? 10. और ढूंढे कुछ फाइनेंशियल चार्जेस के अलावा? जी फाइनेंशियल चार्जेस हेडिंग लिखे. फाइनेंशियल चार्जेस किसे कहते हैं? इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस शायद नहीं है, फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट है. अब इसमें फिर गेम है एक, और ये शायद कल क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरह की बहस की है मैंने.
आइडियल, आइडियल स्पीकिंग इसका मीनिंग ये है इस वर्किंग का कि जो कैपिटलाइज हो गया है वो तो ठीक है, जो इस साल की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हुई अब उसने प्रॉफिट लॉस में आना, तो इसको जरा अलग अलग डिस्कस कर लें। क्या स्पेसिफिक का कोई इंटरेस्ट ऐसा है? ये करें जरा हिम्मत, स्पेसिफिक वाली कर ले, कर ले हिम्मत, कर ले कर ले कर ले कर ले। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर एक्सपेक्टेड है मुझे। जी बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन कोई आंसर भेजा है? बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। 350 मिलियन टोटल इंटरेस्ट था, सॉरी टोटल लोन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% था और मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट 11 का बनता था, जिसमें से 8.5 मंथ्स का कैपिटलाइज हो गया था, रिमेनिंग 2 मंथ्स का एक्सपेंस आउट हो जाएगा। 11.67 आई थिंक 11.6 हजम हो जाएगा सर। जर्नल की वर्किंग का तरीका कल मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था और आपने घर जाके रिवाइज किया है, सुना है, बड़ी रूमर्स ऐसी फैल रही हैं कि बच्चों ने घर पढ़ा है। एक नजर रिवाइज करें, मेरा ख्याल खुद करवाएं, रिवाइज करके कर लें, ढूंढ लें, एक नजर देख लें, फिर फाइनल बता दें, कर लें कर लें। कहाँ गया सवाल नंबर 9, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ओहो, वो तो कल बोर्ड से देख के लिखने नहीं दिया गया। कहाँ गया, कहाँ गया, था तो इधर ही, किधर गया, किधर गया? लगता है बस वही रह गए, और जो मैं कहूंगा बस वो भी रह गए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई फिगर ढूंढने, जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपनी कोई फिगर फाइनल बता दें। बेटा सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज साथ साथ पढ़ना जरूरी है। आप लोगों में से ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इस वक्त कह रहा हूँ, बहुत से लोग हैफेजल्टी क्लास ले रहे हैं, कभी 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 इस तरह बेटा बात नहीं बनेगी, ये तो चीजें लिंक्ड है, अगर एक चीज भी मिस हुई है बात नहीं बनती। जी तरीका इसका वही है जो अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है, पहुंच गए वहां तक। इंटरेस्ट का सम कर लें, जनरल बोरिंग्स का इंटरेस्ट सम कर लें और जो कैपिटलाइज हुआ वो माइनस कर लें, तो जनरल बोरिंग्स है एक्स और वाई, ढूंढ दे उसका इंटरेस्ट, प्लस करवा दीजिएगा जरा 15.4 प्लस 44.2 माइनस 11.025, कहां से आ गया ये 11.02, ये यार ढूंढे ढूंढे कहां कहां से फिगर्स आई हैं, ये पहली दो फिगर्स कहां से आई हैं, बोर्ड से, कौन से टेबल से, सवाल में से आई हैं यार, सवाल में से, ठीक है वहां से भी आई हैं, कैपिटलाइजेशन रेट से आई हैं, टेबल रहने दें, कैपिटलाइजेशन रेट के वर्किंग से आई हैं, पहली दो फिगर्स उठा ली हमने, और माइनस 11.02 कहां से आया, सारे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं लेनी, यहाँ जर्नल वाली कैपिटलाइज लेनी, जर्नल से जो कैपिटलाइज हुई है। रिमेनिंग आंसर बताइए 48.58, डन। एनी कंफ्यूजन, और कोई फिगर ढूंढने की? सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन है क्या? एक और सवाल आपका खत्म हो गया, वापिस चैप्टर में आ रहे। पेज नंबर 76 पे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना शुरू कर दें, सारी घड़ियां देख लें। पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 4 एनआरए, आपके पास शायद 5 होगा।
क्वेश्चन नंबर फोर एनआरए, बहुत टाइम पड़ा है, सवाल पढ़ना शुरू कर दे, रिक्वायरमेंट देख के जितनी भी मायूसी फलानी है फला लें, सवाल नहीं इंशाल्लाह हो जाना है, सवाल पूरा पढ़ दे जरा यार कहीं। जी बिलाल साहब, कैपिटलाइजेशन रेट के फॉर्मूले से दो फिगर्स आई हैं, पढ़ाई के साथ सब कुछ चल रहा है, बाकी सब कुछ तो मुझे लग रहा है सही हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाएगी, इसका मतलब आवाज आती है जो सुनना चाहे। मैं मुसलसल कह रहा हूँ सवाल नंबर चार पढ़े, अभी तक आवाज आई नहीं, सर रिपीट कर दें, क्या बात हुई है, हालांकि मैंने माइक भी लगाएगा बेटा, एक दफा दोबारा जरा बच्चे को चेक करना आवाज आ रही है, इसी बहाने जरा खुश भी हो लेता है, जरा दो मिनट बाद ना जरा याद रखना। एक क्वेश्चन पढ़ के इसका टेबल बनाएंगे, टाइम है, नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बना हुआ है, खामोशी काइंडली, इंडिविजुअल करने का वक्त आ गया सर, अब बस काफी हो गया सवाल मित्र। टेबल बनाना शुरू करें जी, आराम से कर पड़े क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, हाँ जी वही है रिक्वायरमेंट, ठीक है, पहला पेज एक छोड़ दें, टेबल बना लें, ये बेटा शुरू कर ले, मैं जरा फिर लिखता हूँ बात, पहले ट्राई करेंगे, 5 मिनट्स प्लीज। ये बेटा आप भी नुमान, आप लोग भी करें शुरू, नीचे जो हजरात बैठे हैं सारे बच्चे करते, क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर, जहां जहां मेरी आवाज जा रही सबको कह रहा हूँ, ये जो भाई नीचे ग्लासेस में बैठे हैं, मैं ब्लैक ग्लासेस में, आपको भी और आपके फ्रेंड्स को भी कह रहा हूँ, एंड कंपनी, जी आपको तो कह ही रहा हूँ, आप लोग तो शुरू करें, क्या हो गया फ्रेंड्स, क्या हो गया है, इतने दिनों बाद बंदा है, क्या हो गया, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, आ गया, और बेटा बस करने ये सवाल, पेज नंबर बता दो, पेज नंबर 76, इंडिविजुअली प्लीज, अपनी अपनी कोशिश, मैक्सिमम गलत हो जाएगा लेकिन उस गलती से इंशाल्लाह जरूर कुछ सीख लेंगे, इससे ज्यादा कोई खतरा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस खुद नहीं करेंगे तो जितने मर्जी बड़े बड़े क्वेश्चन साथ करते रहे क्लास में वो यूजलेस हो जाएगा। Thank you.
अरे टेबल हमेशा कट्ठा बनता है, टेबल रिक्वायरमेंट देख के कट्ठा बनता है एज इन क्वेश्चन नंबर 8। बाद में डिसाइड करेंगे किस अमाउंट में किस तरह से आना। टेबल बनाते हुए आपने पूरा क्वेश्चन सामने रखे, फिगर्स लिखे नहीं, वो बाद में डिसीजन लेंगे किस साल कितनी अमाउंट आना। बेटा अगर अमाउंट रुपीज में है तो 20 रुपीज में ही करें, वो कोई इशू नहीं, जनरल लोन को रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। सिर्फ एक फिगर अगर मिलियंस में है तो रुपीज में मेजोरिटी फिगर है, मतलब रुपीज में करना चाहिए वो। बहरहाल डेफिनेटली आपकी चॉइस है, अगर आपने सारा मिलियंस में
करना है, सारा मिलिस में करना है, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इतने कंफर्टेबल हैं कि मिलियंस में कन्वर्ट करना, रुपीस में करना चाहिए पर्सन, अगर मेजॉरिटी केसेस में मिलियंस में ऊपर ठीक है। ओ बेटा अपना अपना करो, फाइनल डिस्कशन अपनी अपनी गेम्स है। मिलियंस में करें रुपीस में करें छागे, ठीक है बेटा रुपीस में कर लो यार, मैंने रोका क्या हो गया क्या, ये भी साइंस है सर, जब मिलियंस में करा मिलियंस में करें, जो रुपीस में करा रुपीस में करें, जो जैसे करा करे। एक लोन रीपेमेंट आ रही बीच में शायद फर्स्ट जून पे, बड़ा बस करो यार बस कर दो, लोन रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट 10.6 मिलियन बनता है, 6 लाख इंटरेस्ट है, 10 मिलियन इंस्टॉलमेंट, 6 लाख इंटरेस्ट, बस जून में मेरा हाल यस सर, बल्कि सारा शायद 2 रुपए हो गया सारा ही, और
जी सर जी, मेरे ऐसे पे टेबल बनना है, वैसे मैसे मैच कीजिएगा, चेक कीजिएगा मेरी क्या क्या गलती है। अब दरबार साहब फिगर्स फाइनल कर लो, नहीं मेरी स्पेसिफिक की वर्किंग करेंगे। कभी ये इत्तेफाक हुआ कि दो सालों की वर्किंग रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में? यस सर, एक नजर क्वेश्चन नंबर 8 का ढूंढे, जिन्होंने टेबल बना ली पहले क्वेश्चन नंबर 8 और उसका अंदर आंसर रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 8 और उसका आंसर, जिनका टेबल फाइनल है वो काइंडली क्वेश्चन नंबर 8 और उसका आंसर रिवाइज करें, उसमें देखें कैसे सारी फिगर सॉल्व हुई है। अगर एक से ज्यादा साल इन्वॉल्व हो तो अपने ईयर वाइज पर अलग अलग वर्किंग कर लेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, 4 महीने 2 महीने ऐसा करके एक वर्किंग हुई थी, तो स्पेसिफिक करें इधर क्वेश्चन में, अभी टाइम है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, टेबल फाइनल हो गया, टेबल की हद तक कोई इश्यू तो नहीं किसी का? चले स्पेसिफिक लोन की वर्किंग करें, अगर एक नजर रिवाइज कर लिए क्वेश्चन नंबर 8 करने से है, कोशिश करने से है, 12 और 13 अलग अलग होगा, सॉरी 10 11, यहाँ भी 10 11 ही है। जाने दे फ्रेंड्स, जाने दे गुस्सा, एवरी फ्रेंड इज गोइंग ऑन। अच्छा भला 5 सी भाई जी के मैं पढ़ा करूंगा, फिर अचानक उसकी दोस्तियां हो गई, फिर उसने कहा पढ़ाई तो होती रहती है। ख्वाहिश रखना तो आसान है सर सीए की, लेकिन एफर्ट रिक्वायर्ड है सर। गर्मी बढ़ी है, सर्दियों में सर्दी बढ़ी है, क्या करें, एक अटम गर्मियों में है एक सर्दियों में है, करें क्या। Thank you.
ये स्पेसिफिक वर्किंग किसने की हो? हो गई होगी एक महीना कल हो गया 11 की कर ठीक है बड़ा बिलाल आगे चले यार डियर फ्रेंड है छुपे की बैठा हुआ भाई को इधर बैठा होता तो दरम्यान में बैठा ताकि मैं नजर ना हो तो मैं ढूंढ नहीं लूंगा जब तक हरकतें सही नहीं होंगी मैंने ढूंढ लेना जब मर्जी फोन जाता ये मिस्टर कशिप क्या इंटरेस्ट इंकर बना 2010 में स्पेसिफिक सही 11 की फिगर बता दो कर लो हाँ कर लो कर लो कर लो क्या करो ना वर्किंग अप्रूव कर लो पर मुझे दे दे पैन अगर नहीं ले रहा भाई यार क्या हो गई वर्किंग करेंगे इस क्वेश्चन में बड़ा एक जगह प्रॉब्लम आना है आपको 2011 की जनरल बोरिंग की वर्किंग करते हुए बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट करेगा फिर जो प्रॉब्लम आना है वो मुझे आइडिया है ठीक है तो इंशाल्लाह फिर इसे कल डिस्कस करेंगे आज घर जाके कैंडी सबसे पहले ये जो क्वेश्चन क्लास में हुआ है ऑक्टागन इसको रिवाइज करना और ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसको कम्प्लीट करना डन है सर कल दोबारा एक नई गेम स्टार्ट होनी है तो कैंडी यहां तक जो हो गया इसको सही तरह फाइनल करके लेगा Thank you.